साइंस, और हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसे चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम लोगों को कार्बन से जुड़े हुए जो बातें हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो बात करनी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पहले हमें बताया गया है कि दस सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, तुसी दसो। सबसे पहले जो हम लोग को याद रखना है कि अर्थ की क्रस्ट में 0.0% कार्बन प्रेजेंट होता है। सर नींद बहुत बढ़िया है। ओके, हेलो सर, यस नींद बहुत बढ़िया आई। हाँ यस, नींद तो बढ़िया आती ही है। ओके चलिए, तो 0.02%, बस एक टूर टेकी पेपर देन चलिया 1 घंटे तक। ओके 1 घंटे तक, हाँ 10:30 बजे पेपर स्टार्ट है, तो ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। तो कार्बन जो है वो 0.02% है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट में। और वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? वेरी इजी, नॉट ओनली इजी, इट विल बी वेरी इजी, देख लेना आप। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, इनकी फॉर्म में जो है वो हमारे पास कार्बन होता है। इसके अलावा कार्बन जो है वो 0.03% है, एक्चुअली कार्बन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये हमें डाटा याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चंस की पर्पज़ के लिए, 0.02% एंड 0.03%, ये चीज़ है। कोई बात नहीं, जितना आंदा है बस ओदे दे कॉन्फिडेंस रखो, और बस जेड़ा नहीं आंदा ओदे बारे ना सोचो। 5 नंबर 10 नंबर का नहीं आंदा की फ़र्क है, 70 नंबर का आंदा है, 65 का आंदा है, बस ओदे बारे सोच के अपने पॉजिटिव रखो। ओके, उसके बाद है बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन किस तरीके का बॉन्ड बनाता है। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो कोवालेंट बॉन्ड के बारे में, तो दोनों में क्या फर्क है ये चीज है। थैंक यू, सेम टू यू। तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवालेंट बॉन्ड, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आयनिक आपके पास कंपाउंड होते हैं या जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये आप लोगों को पता है। मॉडरेटर बना दो, मॉडरेटर बना दो, उससे क्या होता है, बना दो। ओके, तो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल, और कोवालेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन नॉन मेटल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे, और जो कंपाउंड है, नहीं आ रहा चैट, आ नहीं रहा, आ रहा है सब कुछ आ रहा है इधर तो प्लीज। ओके, अरे वो मुझे सनसेट मिलकर समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ होती है, तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस रखें लाइक दैट। तो कोवालेंट में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा बिटवीन नॉन मेटल्स, और आयनिक में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड हमने कल देखा था कि सॉलिड स्टेट में
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं। जो कोवेलेंट होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दो पॉइंट तो ये हो गए। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो कोवेलेंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है एज कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली आयनिक वालों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और कोवेलेंट वालों का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद हमारे पास ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया। अब कोवेलेंट की थोड़ी सी कहानी और हम लोग एक्सटेंड करेंगे और साथ में उसको कार्बन से भी रिलेट करेंगे। सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। इसका मतलब है कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में। हमें पता है हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो क्या कर सके, सर बना दो प्लीज अभी कुछ भी ऐसा मत करे जो स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करे, प्लीज़ थैंक यू। तो अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है तो वो अपने आप को इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, लूज करना या शेयर करना चाहता है ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के साथ कोरिलेट हो जाए। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर ये अपने शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले कार्बन टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये किसके विद रिस्पेक्ट नोबल गैस हो जाएगा, नोबल एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी नियॉन के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 10 होता है। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, बाय बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह क्या है, जो कार्बन है उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने डिफ़िकल्ट होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। तो इसीलिए कार्बन जो है कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा। तो फिर कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ताकि इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम से मैच कर जाए। चलिए लिख लेते हैं कार्बन 2 लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती, व्हाई, एनर्जी रिक्वायर टू खींचना, ड्रॉ लिख सकते हैं आप, या फिर एनर्जी रिक्वायर पुल 4 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ अटैच हैं,
न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को वहां पर एक तरह से होल्ड किया हुआ है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपना शेल छोड़ दें तो इसका मतलब है उनको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उनका जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियस से ब्रेक हो जाए और वो फ्रीली मूव कर सके। लेकिन प्रैक्टिकली इतना हाई एनर्जी अवेलेबल या पॉसिबल नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुल आउट किया जा सके, तो इसीलिए ये वाला स्टेट भी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ना तो गेन होते हैं और ना ही कार्बन उनको लूज कर सकता, दोनों ही सिचुएशन कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन ना तो गेन कर पा रहा है और ना ही लूज कर पा रहा है, तो फिर वो कैसे नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करेगा? तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है, कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा। तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एटम के साथ शेयर कर लेगा ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल वाली हो जाए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग निखिल सर, इट्स प्रणव, ओपी कोवालेंट बॉन्ड। यस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनते हैं उसे वी कॉल कोवालेंट बॉन्ड। तो कोवालेंट बॉन्ड में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे कोवालेंट बॉन्ड कहेंगे और ऐसे कंपाउंड्स को कोवालेंट कंपाउंड्स कहते हैं। आपने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, सही बोलूंगा ईमानदारी से, मतलब थोड़ा सा आप बता दें अपने बारे में तो शायद मुझे पहचान आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। कोवालेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जो कंपाउंड कोवालेंट बॉन्ड से बनते हैं। फ्रॉम हरियाणा, ओके, पड़ोसी, यस, फ्रॉम हरियाणा बॉय, ओके। तो कोवालेंट बॉन्ड एटम्स के बीच में बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके और ऐसे कंपाउंड को कोवालेंट कंपाउंड हम लोग कहते हैं। तो चलिए, ये तो अब हमें पता चल गया कि कैसे कार्बन जो है वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। अब हमें जो दो बातें हैं यहाँ पे याद रखनी है, पहला ये कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं या कोवालेंट जो कंपाउंड है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, उसकी वजह क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लो, बहुत कम होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, वो लेस होती है या वो वीक होती है। तो वीक का मतलब क्या हो गया, इसको ब्रेक करना बेहद इजी है और जब ब्रेक करना इजी है तो फिर ऑटोमेटिकली है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। अगर आपको याद हो आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई थे क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो वीक है, तो मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना बेहद आसान है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है, यही आपका सिंपल वे में आंसर बनेगा, और भी कुछ आपने नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज, कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बाय। कार्बन या कोवेलेंट
कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, तो ग्रेफाइट को छोड़ के यहाँ पे ग्रेफाइट इसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों? इसका सिंपल आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं बिटवीन एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कोई फॉर्मेशन नहीं होता, नो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, मतलब आयंस का, ना कोई कैटायन बनेगा ना कोई एनायन बनेगा। अब जब कोई चार्ज ही नहीं बना तो फिर ऑटोमेटिकली है नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं है तो मतलब दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखिए, जब अपने आयनिक कंपाउंड की बात की थी वहाँ पे क्या हो रहा था, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हुआ और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हुआ, तो उस वजह से आयंस बने कैटायन एंड एनायंस और वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो कोई भी चार्ज डिवेल्प नहीं होगा, मतलब कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई आयंस ही नहीं बने तो कोई कंडक्शन भी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइड्रोजन की सबसे पहले कॉन्फिगरेशन लिखेंगे K, ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन बना दिया और हाइड्रोजन की ये दूसरी एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। शेयरिंग करनी है तो फिर इस तरीके से सर्कल बनेगा, हाइड्रोजन एटम लेंगे सर्कल के अंदर इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है वो भी उस सर्कल का पार्ट बनेगा। इस वाले हाइड्रोजन का सर्कल बनेगा तो ये भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स दोनों कवर करेगा, एक खुद का और एक जिसके साथ वो शेयर कर रहा है। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही सर्कल में होने चाहिए, अगर इस वाले की बात करेंगे तो आप इसका H नहीं लेंगे, सिर्फ दूसरी एटम का इलेक्ट्रॉन है जो सर्कल में आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन H2 का बन गया। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, उसके बाद है मेरे पास क्लोरीन, सर आप ही पढ़ करवा रहे हो, आपकी लाइव वीडियो चैनल पे जाती है, आपकी लाइव वीडियो चैनल पे जाती है, आपकी लाइव वीडियो चैनल पे जाती है, मतलब हाँ इम्पोर्टेंट, यस मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ पूरा चैप्टर, तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि अगर हमारा टारगेट 80 out of 80 का है तो हम लोगों को सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। आपकी लाइव वीडियो चैनल पर जाती है, यस और नो, मतलब ये लाइव चल रही है, आप ऐसे ही पूछ रहे हो। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। अब क्लोरीन की दो एटम्स बनानी है,
और 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बना देंगे। आप डॉट भी यूज कर सकते हो, क्रॉस भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये क्लोरीन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्लोरीन सेटिस्फाइड हो गया। नो, लाइव के बाद में वीडियो अपलोड होता है सर। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो लाइव वीडियो है वो मतलब जो भी है वो वहाँ पे अपलोड हो जाती है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो इसके बाद ये वाला क्लोरीन, तो आप देख सकते हो कि दोनों क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और साथ में एक जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी टेक ओवर कर लिया। इस तरीके से दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए और उनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच हो जाएगी, आर्गन के साथ मैच हो जाएगी। तो ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बन रहा है। आफ्टर दैट लेट अस मूव टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 होने के लिए। तो फिर यानी कि हमें करना क्या पड़ेगा, वही जो आप सोच रहे हो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयरिंग में जाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 8 तो हो गए इस ऑक्सीजन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 1, 2 तो इसका मतलब है 2 सिंगल कोवेलेंट इसका मतलब है 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। जब सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है एक से ज्यादा तो उसे डबल बोलेंगे, 3 बनते होते तो ट्रिपल बोलते हैं, जो आप करेंगे भी। तो 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 फ्रॉम ईच एटम, हर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल हमारे पास तैयार हो गया। ओके, उसके बाद है हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल, कहते हैं बना के दिखाइए। ये बेसिकली डाई एटॉमिक है जो हमने डिस्कस किया अभी तक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी डाई एटॉमिक हैं। डाई एटॉमिक मीन्स जिसमें 2 एटम्स होंगी, तो H2 H की 2, ऑक्सीजन O2 O की 2 एंड क्लोरीन Cl2, तो सबकी 2-2 एटम्स हैं। वाटर H2O, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, 2.6। अब हमें करना क्या है, हम लोगों को इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवानी है कि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली है वो भी कम्प्लीटली फुलफिल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन की एटम्स और 1 ऑक्सीजन की एटम बना देंगे। ये हाइड्रोजन का 1 और ये इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे, 1, 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास वैलेंस में और 1-1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। अब ये हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, तो इन दोनों हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई हीलियम वाली। ऑक्सीजन क्या करेगा, 6 खुद के और 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कंप्लीटली आ गए। अगर मैं इसको सिंपली वे में बनाऊं तो लाइक दिस, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 बॉन्ड हैं लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिए डबल तब होगा अगर 2 एटम्स के बीच में बनता है,
यहाँ पे दो एटम्स के बीच में एक ही लाइन है, तो इसका मतलब है दिस इज अ सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, और ऐसी दो लाइंस लगी हुई हैं, तो मतलब टोटल दो कोवालेंट या दो सिंगल कोवालेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। ओके, वाटर के बाद है हमारे पास नाइट्रोजन। एक और, ये जो वाटर है ये ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक क्यों? हाइड्रोजन की दो और ऑक्सीजन की एक, तो इसको अपन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग नाइट्रोजन की बात, दैट इज N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2.5 इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन को टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और 3 को सेंटर में प्लेस कर देंगे। दूसरी नाइट्रोजन एटम भी आप ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स साइड में और 3 सेंटर में रख देंगे। अब बनाते हैं इसका सर्कल लाइक दिस, और इसका भी सर्कल, और यू कैन क्लियरली सी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हेलो हाय, हेलो को हाय बोला जा रहा है, हाय। ओके, तो अब देखिए दो एटम्स के बीच में 3 लाइंस खींची हैं, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है जब दो एटम्स के बीच में 3 लाइन खींच गई, तो फिर उसे अपा बोलेंगे ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड, और इसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 फ्रॉम ईच एटम। तो इस तरीके से ये हमारा नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया N2, और ये भी डायटॉमिक की एग्जाम्पल है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 हैं। ओके, नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है अमोनिया, NH3। तो N का लिखेंगे 2.5, हाइड्रोजन का लिखा जाएगा 1। तो रिक्वायरमेंट क्या है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन की एटम्स लगा देंगे। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए तीनों एटम्स के 1-1। अब नाइट्रोजन के हम लोग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रख देंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उनको अपन साइड में इस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये वाला हाइड्रोजन का भी कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन के लिए मुझे सर्कल बनाना है, तो 5 तो इसके खुद के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग इस तरीके से सर्कल बना देंगे जिसमें नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन शामिल हो जाएंगे। आप थोड़ा बेहतर बना सकते हैं स्पेस प्रॉपर के साथ, ताकि ये थोड़ा सा वो मतलब लग रहा है कि मिक्सा हो गया, लेकिन एक्चुअली में बनेगा ऐसे ही, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी तो ज़्यादा अच्छा बना लेंगे। 3 सिंगल कोवालेंट बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे 3 सिंगल कोवालेंट बॉन्ड्स। तो इस तरीके से ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार मीथेन का। मीथेन मतलब कि CH4, कार्बन का है 2.4 और हाइड्रोजन का है 1। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने आप की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली अगर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन लेंगे और इसके 4
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना देंगे, हर डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी के पास हाइड्रोजन दे देंगे, अब हम लोगों को करना क्या है, ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, तो सभी हाइड्रोजन का जो घर है वो पूरा हो गया है, कॉन्फिग्रेशन वो कंप्लीट हो गई है। अब कार्बन के हम लोग करेंगे बात, तो आप लोग देख सकते हैं कार्बन ने यहां पर खुद के चार इलेक्ट्रॉन्स और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की हर एटम से बना लिया। हेलो सर, सर बेंजीन का भी आएगा थोड़ा सा, लेकिन आगे है, सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रॉपरली तरीके से, ईच एंड एवरी डन करेंगे प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आप देख सकते हो चार सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बन रही हैं, 4 सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए उसके बाद मेरे पास ब्लू लाइनिंग में दो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन्हें मैं डन करता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर नंबर, कौन सा नंबर? सर नंबर 2, किस चीज का नंबर चाहिए? तो हम लोग कार्बन आपका, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर इधर लिख दूं, 9517495503, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है। 2.4 और ऑक्सीजन का 2.6, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन हमने लिखा। अब देखिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल एक बार कवर कर लें सिलेबस, फिर अगर हमारे पास टाइम रहा तो डेफिनेटली वो भी कर लेंगे। अभी इस पे व्हाट्सएप नहीं है, अभी व्हाट्सएप पे मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, आइडेंटिटी नहीं है, नहीं व्हाट्सएप नहीं चलाता मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर एटम को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस वाले, उन्हें इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा कि 2 एक ऑक्सीजन को और 2 दूसरे ऑक्सीजन को मिल जाए, और इस साइड बना देंगे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी क्या करेंगे, ऐसे बना सकते हैं अपन नीचे की तरफ। चलिए अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए हर ऑक्सीजन एटम के, और कार्बन के बन गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चला गया कार्बन के लिए 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम लोग बड़ा आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि 2 डबल कोवालेंट बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ई बी डब्ल्यू व्हाट इज दिस ओके, तो इसका मतलब है कि 2 कोवालेंट बॉन्ड डबल है वो बन रहे हैं, और उनको बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4+4 यानी कि 8, क्योंकि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कोवालेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इधर टोटल बॉन्ड 4 हैं, तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को चाहिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हुआ। सेकेंड वन हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर की 8 एटम्स को मिला के S8 यानी कि सल्फर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमें वो स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर के लिए 2.6 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसमें क्या है, आप देखिए कि हर सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और सल्फर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा खास टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, क्राउन शेप। तो बनाने का तरीका क्या है, पहले आप W बना लें इस तरीके से, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर ली मैंने। वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से बनेगा। तो ये सल्फर का स्ट्रक्चर है। ओके, कैमरा लैंडस्केप करिए, दिखाई नहीं दे रहा। ये लीजिए। ओके, तो ये क्राउन शेप स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को बनाना है। सल्फर के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास S सल्फर का स्ट्रक्चर बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसमें सल्फर की 8 एटम्स हैं। अब देखिए इनके सर्कल नहीं हम लोग ड्रॉ करेंगे क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बना के आ जाएंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। सर्कल सिर्फ उनके बनाए जिनके क्लीन एंड प्रॉपर तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और उसके बनाने की वजह इसका वर्सटाइल नेचर होना है। और ये वर्सटाइल नेचर क्यों है अब उसकी बात हम लोग करेंगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये सल्फर का S8 का था, S8 सल्फर 8 S8 का स्ट्रक्चर था जो हमने ड्रॉ किया था। क्राउन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, 8 एटम्स होती हैं। ओके, उसके बाद वर्सटाइल नेचर में हम लोगों ने बात की कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग आप पढ़ेंगे।
देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोग कवर करेंगे वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या चीज है, पर डॉट और स्केल्टन। डॉट और स्केल्टन, हमने डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और स्केल्टन का मतलब एक्चुअली मेरे ख्याल से लाइंस वाला स्ट्रक्चर बोल रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें वो बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि सर्कल इज नॉट पॉसिबल, सर्कल पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी विल गेट फुल मार्क्स उस चीज के लिए। कैटेनेशन में क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट की एटम्स आपस में लिंक हो सकती हैं, उस एबिलिटी को कैटेनेशन बोलते हैं। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन की एक एटम हाइड्रोजन की दूसरी एटम से अटैच हो सकती है, ऑक्सीजन की एक एटम ऑक्सीजन की दूसरी एटम से बॉन्ड बना सकती है। तो कैटेनेशन का मतलब है कि अपने ही एलिमेंट की दूसरी एटम्स के साथ जुड़ना कैटेनेशन कहलाता है। पर आप तो कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के पास ये जो एबिलिटी है कैटेनेशन वाली वो ज़्यादा ही हाई लेवल पर होती है। मतलब कैटेनेशन कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं बहुत बड़े लेवल पर और इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाती हैं। बिल्कुल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात भी यहाँ पर आएगी, करेंगे हम लोग। उसके बाद ये होगी पहली बात की डेफिनेशन ए। दूसरी बात है कि जो कार्बन कार्बन की एटम्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। तो एक तो होता है चेन, स्ट्रेट चेन लिख लेते हैं, दूसरा होता है ब्रांच और तीसरा होता है रिंग। तो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक सीधी रोड है, उसके लेफ्ट राइट कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं है, सीधा जाना है, तो ऐसे कार्बन एक दूसरे से लिंक होंगे तो उसे वी कॉल स्ट्रेट चेन। इलेक्ट्रिक्स ये चैप्टर बिल्कुल करेंगे, फिजिक्स करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी करेंगे और फिर फिजिक्स पे आएंगे। तो पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट है एंड होपफुली हम लोग वो करेंगे। ब्रांच में क्या होता है, आपके पास कार्बन स्ट्रेट चेन में तो लगे ही होंगे कुछ ना कुछ, इसके अलावा हो सकता है एक या एक से ज़्यादा कार्बन इस तरीके से ब्रांचिंग में चले जाए। जैसे ये रोड है सड़क और यहाँ पे एक रास्ता निकला हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच, इसको अपन ब्रांच बोलेंगे। लेकिन अगर ये रोड बिना किसी कट के बिना किसी दूसरे रास्ते के सीधा चला जाए तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन। उसके बाद है रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी क्या होती है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एक पूरा क्लोज्ड फिगर होता है। तो रिंग का मतलब भी यहाँ पे यही है कि जो कार्बन है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक क्लोज बाउंड्री ये बनाएंगे। बहुत सारी टाइप की शेप हो सकती हैं, सर्कल हो सकता है, सर्कल तो नहीं चले कहेंगे, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, वो जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के साथ काफ़ी सारे तरीकों से जुड़ सकता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच एंड रिंग एज वेल। तो इन तीन तरीकों से कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टिविटी होती है। ओके इसको ख़त्म करेंगे अब। अभी कैटेनेशन ही हमारा चलेगा, कैटेनेशन में अभी बातें और भी जो है वो कवर अप करनी है। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है एंड ट्रिपल भी हो सकता है।
यानी कि कार्बन कार्बन एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब दो इलेक्ट्रॉन है, डबल जब चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ट्रिपल जब छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोर ऑल्सो, फोर भी पॉसिबिलिटी है लेकिन वो रेयर केस है, हमारे सिलेबस में वो कवर नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन जब डबल या ट्रिपल आ जाए, डबल या फिर ट्रिपल, तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल में से कोई भी आ जाए तो उसे अनसैचुरेटेड हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास है कि कैटेनेशन की ये जो प्रॉपर्टी है, इतने बड़े लेवल पर कार्बन शो करता है, लेकिन इसके अलावा एक और एलिमेंट है, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन भी ये वाली प्रॉपर्टी शो कर सकता है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा मतलब लंबी चेन नहीं बनाएगा, 7 to 8 स्ट्रेट चेन लिखा हुआ है, चेन्स अप टू 7 to 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8 मैंने 8 बना दिए यहाँ पे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी। तो सिलिकॉन भी कहते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये सिर्फ 7 या 8 सिलिकॉन्स तक ही मतलब कन्फाइंड होती है, जबकि कार्बन में तो ये बहुत बड़ी चेन बन जाती है। 3 एंड जर्मेनियम ये भी करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन हम लोगों को जैसे मतलब कि सिर्फ अपने 10th के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है, तो इसीलिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे कवरिंग नहीं कर रहे हैं। तो सिलिकॉन भी जो है वो 8 मतलब एटम्स तक अपने आप की चेन दिखा सकता है, लेकिन ये वाले जो कंपाउंड होते हैं सिलिकॉन के, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब क्या हो गया, हाई रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं इसकी भी बात होगी, क्योंकि जो सिलिकॉन है उसका जो साइज है वो लार्ज होता है, और अगर एटम का साइज लार्ज है तो फिर जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड का मतलब है लेस स्टेबिलिटी एंड हाई रिएक्टिविटी। तो इसीलिए जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, लेकिन सिलिकॉन का जो साइज है वो बड़ा है, और बड़ा होने की वजह से इसके जो बॉन्ड है वो वीक बनेंगे, लेस स्टेबल होंगे, तो ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं होती। ओके, इसके बाद ये हमारे पास कैटेनेशन का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। तो हमने मेनली 4 बातें सीखी, कैटेनेशन की डेफिनेशन, उसके बाद कैसे कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक हो सकता है, तीसरी बात सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और चौथी बात सिलिकॉन के बारे में हमने पढ़ ली। इसको इरेज करेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी वर्सेटाइल नेचर वाली क्लियर हो गई, दैट इज कैटेनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। अब टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या कर सकता है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है, 1, 2, 3 and 4। मैं यहाँ पे इन कार्बन की बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आगे फर्दर, सेंटर वाले कार्बन की, कि यहाँ पे कार्बन एक ही टाइम पर कार्बन की 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है, या फिर एक्स वाई जेड जेड डैश। अगर कार्बन को मोनोवेलेंट का मतलब है जिनके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सके, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है,
ब्रोमीन है, तब वो ऐसी चार एटम्स के साथ बॉन्ड करके भी अपना कॉन्फिग्रेशन अचीव कर सकता है। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब यही है कि एक ही टाइम पर ये चार अलग अलग एटम्स या सेम एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ओके, इसके बाद ये कहानी अभी आगे भी जारी रहेगी हमारी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो क्या चीज है, जरूरी नहीं है कि कार्बन जो है वो कार्बन से ही बॉन्ड बनाए या फिर मोनोवेलेंट से ही बॉन्ड बनाए। हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, तो यहां पर सिर्फ दो एटम से ही लगी और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन ने कंपाउंड बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि कार्बन किसके साथ लिंक कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, तो हर एलिमेंट के साथ या जिस भी एलिमेंट के साथ ये जुड़ेगा तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलिमेंट पे डिपेंड करती हैं, उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, तो उस तरीके से वो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि कार्बन जो है वो जितनी भी एटम्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। ओके, आफ्टर दैट तो टेट्रावेलेंसी का टॉपिक भी हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म होता है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड हैं या बॉन्ड्स हैं वो स्टेबल होते हैं एक्सेप्शनली, मतलब जितनी हम उम्मीद करते हैं उस उम्मीद से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसकी वजह क्या है, स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन की कार्बन स्मॉल साइज ही है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का साइज स्मॉल है क्योंकि इसके पास सिर्फ दो शेल हैं, तो दो शेल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास रहेंगे और न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखेगा। जैसे मैं मीथेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा स्ट्रॉन्गली, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इस वजह से जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर कंपाउंड भी स्टेबल होगा। तो इस तरीके से अब इसको आप कंपैरिजन सिलिकॉन के साथ कर सकते हैं, सिलिकॉन के कंपाउंड या जो प्रोडक्ट थे वो क्यों नहीं ज़्यादा स्टेबल थे, क्योंकि सिलिकॉन का साइज लार्ज है, कार्बन के पास सिर्फ दो शेल हैं, सिलिकॉन के पास तीन शेल हैं, तो इस वजह से सिलिकॉन का साइज बड़ा तो उसका जो बॉन्ड है वो वीक बनेगा और बॉन्ड वीक बना तो फिर उसे ब्रेक करना आसान होता है और इसलिए उसका क्या है स्टेबिलिटी कम होती है। तो वर्सटाइल नेचर हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हमने डन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट है सिखाते सिखाते क्विज लीजिए जिससे याद रहेगा। एक्चुअली ये पता क्या चीज है, हम लोग एक बार ना इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं ना होल सिलेबस का करना चाहता हूँ, तो आई डोंट नो कि मुझे ये टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी ट्राई यही है। तो अगर अभी अपा मैं क्विज करता हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइमिंग वो चला जाएगा और उससे क्या होगा कि फिर चैप्टर नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि एक चैप्टर को कवर करने में अराउंड 3 to 4 hours लग रहे हैं प्रॉपरली तरीके से, तो फिर इतना टाइम में हम लोग अगर क्विज भी ऐड कर देंगे तो इट विल टेक अ वेरी लार्ज टाइम। तो फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अभी 2 तारीख है 3 तारीख है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेलो सर वांस अगेन, हेलो रोहन सर वांस अगेन, मेरी तरफ से भी हेलो। बस 30 मिनट रह गए, यस 30 मिनट्स एंड आपका पेपर नहीं, पेपर अभी कहाँ से, अभी तो 8:30 हुए हैं, अराउंड 8:30 हुए हैं। चलिए तो अब हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो
पहले तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हम लोग दो डिफरेंस है, अनसैचुरेटेड वो यहाँ पर कवर करते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये तो पहला बेसिक डिफरेंस हो गया। यस, सेंटर जाना है। हाँ यस, आई गॉट इट, मैं पॉइंट आपका कैच कर गया। सेंटर जाने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं, आज पंजाबी का पेपर है, तो मतलब साइंस का पेपर तो सबके लिए होता है, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है वो स्टेट वाइज है, तो आज पंजाबी का पेपर है पंजाब के लिए। और इसी तरीके से स्टेट वाइज जो जो पेपर होंगे कंडक्ट वो करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव, और अनसैचुरेटेड वाले लेस स्टेबल हैं, और इनका रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये दो डिफरेंस है जो आप लोग लिख सकते हो। एक एक एग्जांपल दे दें, इथेन, इथेन की बात करेंगे C2H6, और इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप इथीन C2H4। तो इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में डिफरेंस आप लोग दो पॉइंट लिख देंगे। मोर रिएक्टिव, यस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उनकी। सबसे पहले हम लोगों को सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, और वो पहला स्ट्रक्चर इन्होंने सिखाया है इथेन का। तो हम लोग इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी के लिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तो इथेन का सीधा फॉर्मूला फिलहाल याद रखते हैं, C2H6। कार्बन की दो एटम्स हैं और हाइड्रोजन की 6 एटम्स हैं। चलिए बनाते हैं। तो पहले तो दो कार्बन बना लें, दो कार्बन हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए C2H6। 3 को CBSC है, 3 को CBSC है, समझ नहीं आया 3 को क्या CBSC है। तो कार्बन कार्बन, हर कार्बन के पास हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 इस वाले कार्बन का 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से हमने हर कार्बन एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। नहीं नहीं नहीं, 3 को नहीं है, 4 को है, CBSE का एग्जाम 4th of March को है पेपर। अब एक एक हाइड्रोजन हम लोग यहां पर पास कर देंगे हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तरफ। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन का जो वैलेंस है शेल वो कंप्लीट हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन से। इसी तरीके से इस कार्बन का भी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गए हैं। हाइड्रोजन की बात करें, कंप्लीट एंड कंप्लीट। तो इस तरीके से ये हमारे पास गुड मॉर्निंग। चलिए तो ये इथेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास तैयार हो गया है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए किसकी एग्जांपल है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की एग्जांपल है, सीसी मतलब कार्बन कंपाउंड। अब अगर मुझे कोई कहे कि बताइए कि टोटल कितने कोवालेंट बॉन्ड है, तो लाइन स्कैन करें, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है
टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 7, और सभी के सभी क्या है? सिंगल है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को अगर आ जाए क्वेश्चन तो यहां पर बताना है। तो इथेन के बाद हमें ड्रॉ करना है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। गुड नाइट प्रोपेन का। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्केल्टन स्केचर निकाला तो चलेगा, नहीं अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऊपर मेंशन किया हुआ हेडिंग में तो फिर तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। अगर आप स्केल्टल बना के आ जाएंगे तो फिर वो उधर आपको पता ही है काटा लगा देंगे। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। तो सबसे पहले तीन कार्बन बना लेंगे, 1, 2, 3। हर कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस के, तो वो हम लोगों ने बना दिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही हमारा चल रहा है यहाँ पे, आप देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं। अब कार्बन का यहाँ पे एच चाहिए ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन की एटम्स अटैच हो गई। यहां पर देखिए कार्बन जो है वो दो एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट के साथ और राइट के साथ, यानी कि दो कंप्लीट है, तो दो की कमी है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे हम लोग बना देंगे। उसके बाद MgH12 मतलब, अच्छा शायद आप किसी से वो चैटिंग कर रहे हो, ओके। और यहां पर हाइड्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। सर्कल अगर आप अच्छी से ड्राइंग से बना सकते हो तो बना दो, मेरे बस में नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बनाने वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगर स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत आसान है, कार्बन ले लें, तीन कार्बन चेन में, स्ट्रेट चेन में, और बाकी जो है वो क्या कर देंगे, सभी पर एच लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से C3H8 जो है वो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया है। आप क्लियरली देख सकते हो जो वैलेंसी है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी एटम्स के कंप्लीटली फुलफिल हो चुके हैं। ओके आफ्टर दैट, तो सैचुरेटेड के बाद अब हमें उन्होंने अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल करने को बोला है तो वो हम लोग करेंगे। एंड फर्स्ट इज इथीन, इथेन, इथीन, थोड़ा सिमिलैरिटी है लेकिन बहुत डिफरेंस है। इथीन का फॉर्मूला है C2H4, यानी कि कार्बन के दो और हाइड्रोजन के चार। तो हम लोग ये अनसैचुरेटेड पढ़ रहे हैं और अनसैचुरेटेड में जो इथीन है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर डबल बॉन्ड बनना है तो चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होना जरूरी है, तो 1, 2, 3, 4, और बाकी जो है वो हम लोग हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बना देंगे। कार्बन के सभी के फोर फोर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब हाइड्रोजन कर दें, एक हाइड्रोजन, दूसरा, एक हाइड्रोजन एंड ये दूसरा, और ये हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे बन गए। तो टू फोर सिक्स एट, तो इस कार्बन के आप देख सकते हो
कि कंप्लीट हो गई है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इसके भी, और ईच हाइड्रोजन एटम का कॉन्फिग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ हुआ है, इथीन का ड्रॉ हुआ है। स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें और 2 सिंगल हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग इस तरीके से हो जाएगी। सर किसी एक और का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ डाउट है, किसी एक और का। यहाँ पे देखिए अभी इथीन का हमने ड्रॉ किया है, अभी कहानी चल रही है, अभी हम लोग बनाएंगे इथाइन। इथाइन ओके, तो इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। इथाइन भी अनसैचुरेटेड होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सर सो नहीं हो क्या आप? नहीं मैं सो गया था, मैं अराउंड 3:30 पे सो गया था। ट्रिपल बॉन्ड यस, और फिर 5 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई, मैं फिर जाग गया, फिर मैंने चाय पी। यू नो चाय का मैं बहुत ही भूखा इंसान। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे और उसे हमें इथाइन बनाना है। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। कार्बन की भी 2 एटम्स और हाइड्रोजन की भी 2 एटम्स। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी कि 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे दोनों कार्बन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है दोनों के पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देंगे। हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन C2H2। स्केलेटन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से बन जाएगा। सर ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? बिल्कुल सर आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा ज़रूर, ये तो पक्की बात है। सारा पेपर टफ नहीं आता है, पेपर जो डिवाइड किया जाता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं बोर्ड वाले, वेरी इजी, एवरेज एंड टफ। जो टफ पेपर है वो अराउंड 15-20 मार्क्स का आएगा और एवरेज बेसिस पे आपका पेपर चला जाएगा अराउंड 40 का, और वेरी इजी पेपर 20 मार्क्स का आएगा। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कई बार क्या होता है ईजी के चक्कर में ईजी वाले ही गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए। तो इथाइन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? 2 बातें हैं। पहली बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जो भी एलिमेंट्स की एटम्स हैं वो उतनी ही रहेंगी, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम लोग लेंगे तब आपको क्लियर होगा। सेम स्ट्रक्चर विद डिफरेंट टाइप, उल्टा नहीं हो गया? सेम स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे मैं यहाँ पर
ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने वाला हूँ। ब्यूटेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। देखिए कैसे हम लोग ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करेंगे। पहले हमने क्या किया, चार कार्बन्स को स्ट्रेट चेन सीधी लगा दिया, मैक्स आउट। अच्छा, तो अब बाकी के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। हर कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बन गया है सबका, लेकिन 3 की कमी है, तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को लगा दिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो फिर इसको 2 की हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की कमी है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की कमी है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया है ब्यूटेन का। अब सर डॉट स्ट्रक्चर लास्ट बार समझा दो। ओके, तो करेंगे, कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग वो आएंगे ना ये वाले साइक्लोएल्केन वाले करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वहाँ पे भी क्लियर कर देंगे। यस ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा कवर। तो एक तो ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए अपन कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। आपके चैनल पे कितना सब्सक्राइब है? अराउंड 500 है, 506 थे। गुड मॉर्निंग रोहित सर। ओके, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले, और अब हम लोग बनाएंगे एक और स्ट्रक्चर ब्यूटेन का, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा और अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। 3 कार्बन को सीधे चेन में लगा दें और एक कार्बन को लगा दें ब्रांच में, बाकी क्या पूरे कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो ऊपर वाले में, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद रिंग स्ट्रक्चर पे ही आएंगे, रिंग स्ट्रक्चर ही करने हैं हमने। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये सभी स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और ये वाले ब्रांच में एक कार्बन चला गया है, तो इसीलिए हम लोगों को ये किस कैटेगरी में पढ़ने होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पढ़ने होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला पार्ट डन हो गया। ओके, इसको इरेज कर देंगे अपन। तो अब हम लोग करने वाले हैं कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, और पहला हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं साइक्लोपेंटेन। देखिए नाम से क्लियर है, साइक्लो का मतलब है कि एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और पेंटेन का मतलब है कार्बन की 5 एटम्स होंगी, 4 नहीं 5 एटम्स। तो कैसे बनाएंगे, आपने पेंटागोन ड्रॉ किया होगा, तो वो पेंटागोन हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे, कार्बन 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 एंड कार्बन। तो ये कार्बन की 5 एटम्स हम लोगों ने बना दी। उसके बाद देखिए हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहां पर 2-2 हाइड्रोजन हर कार्बन को देने पड़ेंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, कितना,
C5H10 और इसका नाम है साइक्लोपेंटेन. दिस इज साइक्लोपेंटेन C5H10. सर बेंजीन में मैक्सिमम कितने H आ सकते हैं? 6 H आएंगे, 6 हाइड्रोजन आएंगे. ओके, तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं. अब हम लोग साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. हेलो ब्लैक स्पॉट मैक्स, हेलो. और उसमें हम लोग पहले बनाएंगे अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ताकि जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डाउट होगा वो वहां पर क्लियर हो जाएगा. तो मैं यहां पे बनाने वाला हूं साइक्लो हेक्सेन C6H12. साइक्लो मतलब साइकिल का मतलब क्या है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा. तो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर बनाएंगे. तो बनाते शुरू करते हैं. सर कोई ट्रिक बताओ याद करने के लिए. ट्रिक ट्रिक तो यही है कि बार बार उसको देखते रहे, बनाते रहे, समझते रहे, तो वो हो जाते हैं याद. और फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे ना, बेसिक फॉर्मूलाज इनके फैमिलीज के, तब शायद थोड़ा आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी. साइक्लो वाले में आपने याद क्या रखना है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की एटम्स उससे डबल होंगी. पहले क्या करेंगे, एक हेक्सेन बना लेंगे लाइक दिस, और कॉर्नर्स पे कार्बन लगा देंगे. और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है पहले, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे डॉट लगा देंगे. इस तरीके से अब दो दो डॉट्स और लगाएंगे कार्बन के लिए. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और इनके साथ क्या लगेगा, हाइड्रोजन. सर 8th और 12th चैप्टर कब रिवाइज करोगे? सर कल रात को सो गए थे क्या? ओके, 8th और 13th चैप्टर करेंगे रिवाइज. ये हमारा बायोलॉजी में आएगा 8th चैप्टर और 13th आएगा फिजिक्स में. तो बायोलॉजी आज मोस्ट प्रोबेबली हमारी शुरू हो जाएगी इवनिंग क्लास में, तो उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि वो चैप्टर आज होगा या फिर कल पे जाएगा. और 13th चैप्टर फिर बायोलॉजी के बाद फिजिक्स पे चलेंगे. कल रात को बिल्कुल मैं सो गया था, 3:30 पे मैं सो गया था आराम से, बड़ी ज़बरदस्त नींद आई. हेलो हर्ष सर, हेलो. ओके, तो अब हाइड्रोजन बना देंगे. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख के तो लग नहीं रहा है भी कुछ बन रहा है अपना, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या पाने जुलूस निकाल दिया है लाइक दिस. तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें कुछ भी मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग उसका प्रॉपरली बनाएंगे स्केलेटन तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बनेगा. ऐसे कार्बन हमारे पास जुड़ जाएंगे, कार्बन स्केलेटन. और अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगा दें. इस तरीके से तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. साइक्लो मतलब एक रिंग, हेक्सेन मतलब कार्बन की 6 एटम्स, और एन जो ये लिखा हो ना, एन एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. ये आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी सी बात, मतलब थोड़ी सी देर में. इवनिंग कितने बजे? इवनिंग में हमें लगता है वही क्लास अराउंड 8:15 के करीब शुरू होती है, तो शाम को 8:15 के करीब.
चलिए उसके बाद है मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ये अपने आप में एक यूनिक जो है वो फैमिली होती है। अभी आपको इस टेंथ में तो कुछ खास है ही नहीं है, किला बेंजीन का स्ट्रक्चर ही है, तो इसका अभी स्ट्रक्चर यूनिक बनेगा तो वो हमें बनाना है। पहले क्या करेंगे, 6 कार्बन को अटैच कर देंगे, हेक्सागोन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये हमने 6 कार्बन जो है वो रिंग में लगा दिए। हाइड्रोजन के इतने मेरे पास 6 हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर कार्बन को एक हाइड्रोजन यहां पर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। हर कार्बन के सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बना पा रहे हैं, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन सबके पास वेला है। तो अभी ये कंपाउंड यानी कि स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब उसको पूरा करने का तरीका क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, सभी में नहीं, एक छोड़ के, लाइक दिस। क्योंकि हर कार्बन की 4 लाइंस ही होनी चाहिए, 4 से ज्यादा भी गलत है, 4 से कम भी गलत है। इस कार्बन की बात करें 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की बात करें 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की बात करें 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की बात करें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ईच एंड एवरी कार्बन इज हैविंग 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो गया। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आप इधर ही लगाओगे, आप क्या कर सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड हम लोग यहां से स्टार्ट कर दें तो ये मिस आउट करेंगे, फिर ये मिस आउट कर देंगे, तो ये चीज मतलब अल्टरनेटिव। तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, दोनों में से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों सही है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब रोटेट उस टाइम में बना सकते हो, हमारी बुक में वैसे ही बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये बेंजीन का फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से इसको समझना और बनाकर देखना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास है एल्केन एल्कीन एल्काइन्स, कैसे हैं उसकी बात करेंगे। हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे, मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। इवन ओके, थैंक यू सर, मुझे मुबारक हो, बिल्कुल मुझे बहुत बड़ी मुबारक हो कि मेरे 507 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ यही 2 एलिमेंट होंगे, उन्हें वी कॉल हाइड्रोकार्बन, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये हाइड्रोकार्बन, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू सर, और आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। हाइड्रोकार्बन जो है वो मेरे पास 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये वही कहानी है जो आप लोगों ने पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड के फर्दर 2 पार्ट्स हो जाएंगे, या तो डबल या फिर ट्रिपल। सिंगल वालों को अब एक नई टर्म आ रही है, दैट इज एल्केन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड तो बोलेंगे और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाएगा एल्केन का। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड में से बनते हैं उन्हें वी कॉल एल्केन। डबल डबल के लिए एक नाम है एल्कीन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोलेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये हम लोग को जी वी आर डाउन क्रिएट मैस इन अवर माइंड है ना सर। बिल्कुल सर ये तो है ही है, सिचुएशन तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही होती है। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो इसलिए वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल ही रहता है। कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ में जो थोड़ा ज़्यादा टफ होती है, लेकिन बाकी सिचुएशन में तो ज़्यादातर हमारा ओवर रिएक्ट होता है, ओवर थिंकिंग होती है, ओवर टेंशन होता है, सब कुछ ओवर ही होता है हमारा, ओवर एक्टिंग भी होती है हमारी। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी हाइड्रोकार्बन है, सिंगल सिंगल होगा तो एल्केन, डबल होगा एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। इनके बारे में बातें और भी होंगी और क्या कुछ कुछ नहीं, नेगेटिविटी भी कई बार ज़रूरी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। यस बिल्कुल, नेगेटिविटी भी ज़रूरी है, अगर नेगेटिविटी होगी तभी हम लोग पॉजिटिविटी की कदर करेंगे। दिन की कदर तभी होती है अगर रात होती है, अंधेरा है तभी तो रोशनी की कदर है, अगर दुख है तभी तो सुख में हमें खुशी मिलती है। तो नेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिविटी की वैल्यू होती है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। ओके तो इनके फॉर्मूलेज अभी आने बाकी हैं, इनकी कहानी अभी बाकी है, फर्स्ट मेंबर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये वाला चीज़ जो है वो क्लियर कर देते हैं। सही बात है, यस चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट शुरू। थोड़ा मैं इसको सीधा ओके। अब जो कार्बन है, क्वेश्चन पेपर आने पे पेपर ना पढ़ने से तो अच्छा, नहीं तो टेंशन आती है। टेंशन नॉर्मल है तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता सब, ये तो चीज़ नॉर्मल है। पेपर से पहले स्पीड बढ़ जाना, दिल के धड़कने की और डर होना, थोड़ा बहुत टेंशन हो जानी, हेडेक हो जानी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हमें तो ब्रेव बनना है, सामना करना है। अरे यार एक पेपर के एक क्वेश्चन पेपर हमें डरा सकता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। यस वेरी गुड, हेलो दिवाकर सर। तो बेस्ट, अरे नहीं बेस्ट, बेस्ट शब्द तो बहुत बड़ा हो जाता है, बेस्ट तो नहीं, बेस्ट तो बहुत बड़ा शब्द है। ओके अब हम लोग, हमने बात की कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। यू आर इग्नोरिंग मी, अरे मैंने किसको इग्नोर करना है, नहीं सर मैंने आपको दिया, यस नो यू आर इग्नोरिंग मी। देखो अगर मैंने आपको इग्नोर किया होता तो मैं आपका ये मैसेज नहीं पढ़ता। तो मेरी लियो होना समझ नहीं आया। ओके तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग कि अरे सॉरी फिर सॉरी बोला तो है, इंडिया में सड़क आज बनी आज ही टूट जाती है फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता टूट गई हमें क्या करें, और ये तो कोई खास बात नहीं है। करोड़ों की सड़क बनती है, करोड़ दिन भी नहीं चलती, करोड़ सेकंड भी नहीं चलती, टैंक 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 खड्डे 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 हो जाते हैं, फिर भी कोई सॉरी फील करता है आज तक?
रेलवे के डब्बे भिड़ जाते हैं। कभी देखा किसी को अपोलोजाइज करता हुआ कि ये हम माफ़ी मांगते हैं, इतने लोग मर गए हम क्या करें, ना चढ़ते ट्रेन पे कहते। तो ये चीज़ है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना रहा है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, कैटेनेशन की है और क्या बोलते हैं, फायर गिव मी सॉरी इन रिटर्न, बीमार। ओके क्या लिखते हैं हम लोग, अरे यार मैं टॉपिक ही भूल रहा हूँ इधर। हाँ, कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना रहा है क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी की, कैटेनेशन की। अब इसी से जुड़ी हुई टर्म्स है हमारे पास कुछ, वो हम लोग पढ़ेंगे। और पहली टर्म है मेरे पास हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होता है, मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है मिथेन। मैं आपको समझाने के लिए सबसे सिंपल यहां पे उठा रहा हूं मिथेन। मैंने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर कोई और नया एटम या एलिमेंट लगा दिया। लेट मी से क्लोरीन लगा दिया, Cl मान लेते हैं, एच हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो ये जो नया एटम आपने लगाया है, इस नए एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। पेज 52 पे ऊपर वाला पैराग्राफ 52। नहीं, अभी हम लोग ना इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, प्लीज़ अभी हम लोग ना दूसरे चैप्टर पे नहीं जा पाएंगे, तो फिर ऐसे ना सारा गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए जो डाउट होगा ना, मैं एक अलग से लाइव स्ट्रीमिंग में आऊँगा जिसमें ना सिर्फ आप लोगों के डाउट्स उठाए जाएंगे। वो प्योरली आप लोगों के का सेशन होगा जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स होंगे, तो वन बाय वन डाउट लिए जाएंगे, तो उनको कलेक्ट कर लें। लेकिन अभी प्लीज़ मुझे ना सिलेबस का थोड़ा सा करवाने दें, थैंक यू। हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब क्लैरिटी मतलब थोड़ा सा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई और चैप्टर का या कोई और करके हम लोग सारा होचपोच हो जाएगा, इसलिए। तो हेट्रो एटम क्या चीज़ है, ये वो एटम है जिसमें हमारे पास एक एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो जो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी उसे वी कॉल हेट्रो एटम। जैसे यहाँ पे कौन है, क्लोरीन हेट्रो एटम है। ऐसे ही जैसे मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे लिखता हूँ, ये सारी बातें आपको क्लियर होएंगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है वो अभी खुलने वाला है, OH। मैंने क्या किया है, यहाँ पर H हटा के OH लगाया। एच की जगह पर हमारे पास क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। ये वाला एच ये नहीं है, ये एच और ये एच सेम नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो शुभम, हेलो आयुष, ओके। तो ये एच तो इस ऑक्सीजन के साथ आया है, हम लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ हेलो सर, गुड मॉर्निंग आयुष सर। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर कौन है, हेट्रो एटम है। तो हेट्रो एटम क्या हो गया, ब्रोमीन भी कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं। तो मतलब किसी को भी अगर रिप्लेस कर दिया, किसी ने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो फिर वो हेट्रो एटम बन जाता है। ओके, तो हेट्रो एटम हमें क्लियर हो गया कि ये वो एटम है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी, एनी एटम, यस कोई भी एटम, बस वो रिप्लेस किसको करे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। दूसरी बात, अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि आप पंजाब में कहां से हो, मैंने बताया नहीं मैं पंजाब में कहां से हूं, अभी मैं इधर लिख देता हूं, मैं हूं पंजाब / संगरूर / खनौरी, गली नंबर, वार्ड नंबर, हाउस नंबर,
चलो इतनी बहुत है, कौन सा आपने इधर आना है। तो फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हेट्रो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इन अ कार्बन कंपाउंड चेन एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ये डेफिनेशन है, ओके, अल्कोहल कीटोन, यस 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 यस, जी ओके। तो हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देंगे, उन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। नाम से क्लियर है, ग्रुप हो गया एक एटम या एक से ज्यादा एटम अभी मान लेते हैं, फंक्शनल हो गया कि इन एटम्स के अकॉर्डिंगली फंक्शन किया जाएगा, इन एटम्स के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज शो की जाएंगी, तो इसको वी कॉल फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मेरे पास ये मीथेन है, तो मैंने क्या किया, H को रिप्लेस कर दिया मान लेते हैं OH के साथ। ये भी आप पढ़ोगे, सीता मैया जी वाह 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 वा, क्या बात है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही रहे। तो H को रिप्लेस कर दिया है OH ने, तो फिर ये कौन सा ग्रुप बन गया है, एल्कोहल ग्रुप बन गया है। ये अभी हम लोग कवर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ज़्यादा बेहतर ढंग से कि क्या मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूँ। सीताराम सर जी, राम सीता सर जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एल्कोहल ग्रुप OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है। अब ये जो कंपाउंड है ये एल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसी तरीके से और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम लोग अब यहाँ पे कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को कवर करना। तो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो मेन बात है वो क्या याद रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। मैं एक मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, मैं पानी लेके आया और पानी पी के आया। ओके सर, आज कल के लोग खुद को मन में बीमार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस है और कुछ नहीं है। जितनी हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं खुद से उतना हम लोग ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक कदम पीछे हट के ज़िंदगी चलनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हो, तो अगर आपका आपको लगता है कि आप 95% ईजिली स्कोर कर सकते हो, तो आप 95 मत सोचिए, आप 93% सोचिए, 93 सोचिए, 95 आने दें। पहले 95 सोच लेंगे तो 94.5 भी रह गया फिर भी आपको तकलीफ होगी। तो इसीलिए एक कदम पीछे हट के ज़िंदगी जिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। क्लियर, ओके, चलिए ब्रेक ख़त्म हुआ और फंक्शनल ग्रुप अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। पहले मेरे पास है
हेलो एल्केन, फिर है मेरे पास एल्कोहल, देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप है जो मुझे याद रखनी है। हेलो एल्केन में हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन को लेकर ही कंपाउंड हमारे पास होंगे। मे आई, ऑफ कोर्स ये थोड़ी पूछने की बात है, यू शुड, जरूरी है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं कोई रुकावट आनी चाहिए। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलो का मतलब है हेलोजन्स, और हेलोजन्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। लेकिन हमारे पास ओके तो हमारे पास सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन से जुड़े हुए ही क्वेश्चनिंग आएंगे। तो ये बन जाएगा क्लोरो एल्केन और वो बन जाएगा ब्रोमो एल्केन। अगर सर नहीं बोलते तो क्या नहीं जाता। अरे यार बात बिल्कुल सही है, ये भी वैसे अच्छा ही है। तो एल्कोहल की पहचान होती है OH, एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी? कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड H और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा। कीटोन के साथ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH लगा होगा। कह सकते हैं कि हमारे पास OH और ये वाला जो है वो कंबाइन हो गया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन और एल्कोहल दोनों ग्रुप समा गए हैं, हम लोग ऐसा समझने के लिए कह सकते हैं। अब ये ग्रुप्स कैसे कंपाउंड बनाते हैं और किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, अब हमारा टॉपिक वो खुलेगा। और उससे पहले हम लोगों को करना है होमोलोगस सीरीज की बात। होमोलोगस सीरीज, होमो लोजस सीरीज, व्हाट इज दिस सीरीज, ये सीरीज क्या होती है देखना है। अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। एक ऐसे कार्बन कंपाउंड की सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसे वी कॉल होमोलोजस सीरीज। इसकी कुछ खास फीचर्स हैं। एक होमोलोजस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी। उसके बाद और जो किसी भी सीरीज के दो कंसेक्टिव मेंबर्स का डिफरेंस हम लोगों का 14 ही होगा। हाँ जी बोलो, 11 बजे बड़े दिन हो गए मुझे। तो 14U हमारे पास एक सीरीज होगी, उसमें जो मेंबर्स होंगे कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव
मेंबर्स के बीच में जो मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है वो 14 u का होगा, और जो फॉर्मूला डिफरेंस है इट विल बी CH2। कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद नेक्स्ट वन। तो इस तरीके से मे आई कम इन सर, या ऑफ कोर्स आई होप कि अब आप हल्का हल्का फील कर रहे होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो होमोलोजस सीरीज की है जो आप लोगों ने लिखनी है, अगर होमोलोजस सीरीज हमारे पास आ जाए तो ओके। इसके बाद अब हम लोग होमोलोजस सीरीज लिखने वाले हैं सभी फंक्शनल ग्रुप की जो हमारे पास अवेलेबल है। पहले शुरुआत करेंगे एल्केन से। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन की जो एटम्स हैं वो कार्बन की एटम्स से डबल से दो ज्यादा है, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 सो ऑन ये चलती जाएगी। एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन CH4। मीथेन, तो हम लोगों को एल्केन का जनरल फॉर्मूला, फर्स्ट मेंबर का नेम और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं सेकेंड मेंबर की बात करूं तो C2H6, दिस इज फर्स्ट मेंबर, यहां पे ये सेकेंड मेंबर है और इसका नाम है इथेन। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले दो मेंबर्स में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स का फर्क है। ये इधर आए नहीं, इधर लिख देते हैं, मीथेन और इथेन में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा मेंबर लिखूं, थर्ड मेंबर, दैट इज प्रोपेन, तो इथेन और प्रोपेन में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। तो ये होमोलोजस सीरीज की प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर सीरीज में जो कंजेक्टिव मेंबर्स है, चाहे कोई भी आप उठाएं, CH2 का डिफरेंस होता है। कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन की एक एटम का मास 1 होता है, 1 × 2 = 2, तो मास डिफरेंस कितना होगा, 14 u होगा। तो इसका मास जैसे मीथेन का 16 है, तो 16 में 14 ऐड करेंगे तो इथेन का 30 बनेगा, नेक्स्ट का 44 बनेगा, 14 प्लस होता जाएगा, और आप ये चेक भी कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके, हेलो सत्यम केशरी सर, हेलो, व्हाई इज फ्लोरीन सो कॉल्ड? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब एक डूम लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे फ्लोरीन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आने वाला, तो आपको इसका मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो US आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर ने किया था, तो इसीलिए उसका नाम फ्लोरीन रख दिया गया है। ओके सर, था मैंने देखा, ठीक है, वो मोटुनो में है लेकिन वो नहीं पेपर में आएगा, अभी तक कभी भी नहीं आया है। तो आप नॉलेज के लिए उसको पढ़ लें, अच्छी बात है। मतलब ओके, ठीक है, चलिए अब करते हैं बात नेक्स्ट वन।
तो एल्केन का हमें क्लियर हो गया है, एल्केन में हम लोगों का मेंबर हमने लिख लिया है और हमने फॉर्मूला जनरल और ये भी वेरीफाई कर लिया कि कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है और कितना मास डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट एल्केन के बाद नेक्स्ट सीरीज जो है वो है एल्कीन। CnH2n, लेकिन यहां पर जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 सो ऑन। तो दिस इज एल्कीन। 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है उसका भी बात करेंगे। अगर सपोज करें 1 से स्टार्ट होती तो फर्स्ट मेंबर क्या बनता, मिथीन। मिथ का यूज किस लिए करते हैं, जब एक सिंगल कार्बन होता है। जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, C1 2 × 1 2, यानी हाइड्रोजन जितने कार्बन है उससे डबल होंगे। क्या मैं CH2 का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ऐसे, और तो कोई एटम है ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो किसके साथ बनाए, कोई और एटम ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो मिथीन नाम की कोई चीज आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। CH4 इज मिथेन, यस, CH4 का नाम मिथेन होता है, एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथ एन। ओके, तो मिथेन को तो गोली लग गई, मिथीन को सॉरी। अब चलेंगे इथीन के पास। इथीन जो है वो एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, C2 2 × 2 4, C2H4। हेलो प्रियंका, मारा गया, सावधान रहे, सतर्क रहे। अरे यार क्या ये लगा रखा है, इथीन C2H4 ये फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का। नेक्स्ट प्रोपीन, तो ऐसे एग्जाम में आपको उलझाएंगे, फर्स्ट मेंबर उठा के मिथीन लिख देंगे, तो मिथीन अगर आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, C3H6, जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल। मैंने कल आपको सैलून में देखा, सही, मैंने भी आपको देखा, आप सामने तो बैठे थे। उसके बाद ब्यूटीन, थर्ड मेंबर C4H8। तो इस तरीके से हम लोग आगे आगे सीरीज लिखते जा सकते हैं। अगेन देखिए यहां पे कितना डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब है, सर मैं भी जूम पर था, ओके ऑनलाइन, सही है भाई, सही है, गुड वन, हम सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, है ना। तो CH2 का डिफरेंस है कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, और मास डिफरेंस कितना रहेगा, 12 14। तो इस तरीके से हमारा जो डिफरेंस है वो भी वेरीफाई हो गया कि 14 का ही रहने वाला है। तो होमोलोजी सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते थे वो सारी वेरीफाइड प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। तो एल्कीन की बात भी हो गई, और हमें पता क्या चला, एन की शुरुआत 2 से होगी और फर्स्ट मेंबर इथीन है, मिथीन नहीं होते, होता जो भी है। थर्ड पे चलेंगे, एल्काइन अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, CnH2n-2, दो हाइड्रोजन और कम हो गए, तो एल्केन में एल्कीन से जाते हुए 2 कम हो गए, एल्कीन से एल्काइन जाते हुए 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, तो H जो है वो 2-2 कम होते जाएंगे। यहां पर भी वही चीज है, N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी,
बनाए मिथाइन का स्ट्रक्चर एक बार ट्राई करें, तो सी वन टू इंटू वन टू, टू में से टू गया जीरो, सी एच जीरो मतलब एक कार्बन और हाइड्रोजन है ही नहीं है। अब जरा बताओ अकेला कार्बन क्या होगा, कुछ होएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए मिथाइन नाम की कोई कंपाउंड इस दुनिया में नहीं पाई जाती है, सब पागल हैं, हो सकता है। चलिए तो फर्स्ट मेंबर क्या है, इथाइन, फर्स्ट मेंबर इथाइन, टू इंटू वन टू, सॉरी टू लेंगे, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस टू टू, तो सी टू एच टू फॉर्मूला हो गया। और दूसरी बात सर, एक डाउट था, पेंट टू इन वन अल, ओके, पेंट मतलब पांच कार्बन बना दें, और क्या बोला है आपने, टू इन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और क्या था, वन अल, वन पे अल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी एच एच कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज पेंट टू इन वन अल, पेंटीन टू अल, पेंटीन अल, तो आपका ये बोल सकते हैं। तो ये चीज है, नॉट अंडरस्टैंड, देखिए कार्बन पांच बनाए क्योंकि पेंट, पेंट मतलब फाइव कार्बन होते हैं, सेकंड कार्बन पे आपने लिखा है इन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, वन पे आपने लिखा है अल, अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब ये चीज होती है सी एच ओ, इसके बारे में एक्चुअली अभी बात नहीं हुई ना एल्डिहाइड की, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर इज इथाइन सी टू एच टू, उसके बाद ये छोड़िए सब कुछ, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। प्रोपाइन सेकंड मेंबर सी थ्री एच फोर, तो प्रोपाइन जो है वो एल्काइन फैमिली का सेकंड मेंबर है। देन इज ब्यूटाइन, थर्ड मेंबर सी फोर एच सिक्स, तो ये चीज है। डोंट इन्वॉल्व इन चैटिंग, चैटिंग में इन्वॉल्व ना होइए एक दूसरे के साथ, आपका प्योर टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये जो चैटिंग चल रही है फालतू का है सब कुछ, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा दिमाग से सोचिए कि ये चैटिंग सिर्फ आप लोगों का टाइम ख़राब कर रही है, और अगर आपने टाइम ही ख़राब करना है तो फिर इससे बेटर तो और भी चीज़ें हैं जो आप करके टाइम ख़राब कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करें, फालतू में ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व मत होएं जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब मोह माया है बिल्कुल, और ये ऐसी माया है जिसमें आप फंस रहे हो, तो काइंडली एक दूसरे की ऐसी माया से बाहर आइए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अगर वैसे आप बोर हो गए हो तो फिर रेस्ट कर लें, बाद में आप इसको देख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाइए, थोड़ा स्मार्टनेस शो करें, थोड़ा सोचिए कि क्यों आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है इस तरीके की चैटिंग में, कुछ शायद आपके दिमाग में पाएगा। ओके, तो ब्यूटाइन थर्ड मेंबर है C4H6, तो इस तरीके से आप लोग अगेन वेरीफाई कर सकते हो, कार्बन की एक, हाइड्रोजन की दो, कार्बन की एक, हाइड्रोजन की दो एटम्स का डिफरेंस है, और जो मास डिफरेंस है वो 14 U बनेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो
तो 12 प्लस 2 14 का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद एल्काइन का भी हम लोगों ने डन किया, दो से तीन मेंबर्स हम लोग लिखते जा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वन, एल्कोहल। एल्कोहल में अब हम लोग यहां पे जनरल फॉर्मूला नहीं लिखने वाले। बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए आप कैसे हैं? नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ? ओके, इट विल बी क्लियर, ये हो जाएगा क्लियर। आई हैव बीन टू बीट, नॉट क्लियर, ओके। एल्कोहल की पहचान क्या है? एल्कोहल के एंड में OH ग्रुप लगता है। अब एल्कोहल का मैं जनरल फॉर्मूला या आगे किसी का भी जनरल फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखने वाले, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। हमने करना क्या है, एल्केन में एक H रिप्लेस करना है OH के साथ। शायद लिखना ही पड़ेगा मुझे, तभी मैं बेहतर समझा पाऊंगा, अदरवाइज मैं ब्लैंक ही हो गया कि मैं समझाऊं कैसे। एल्कोहल को समझने के लिए क्या करना है, एक हाइड्रोजन खत्म करते एल्केन से, तो 2N प्लस 1 रह गया और उसकी जगह पर लगा देंगे OH। तो ये जनरल फॉर्मूला वी कैन से हमारे पास एल्कोहल का तैयार हो गया। एल्केन फैमिली की तरफ जाना है और एक H को OH के साथ रिप्लेस कर देना है। एक बात जो दिमाग में रखनी है, ये वाला जो H है वो ये वाला H बिल्कुल भी नहीं है, वो H तो जा चुका है जो लगा हुआ था, ये H जो है वो ऑक्सीजन के साथ आया है, तो अलग है। ये मेटल एंड नॉन मेटल हमारा हो चुका है डन प्रीवियस सेशन में, आप वहां से देख सकते हैं, थर्ड चैप्टर है वो, हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कवर किया है। ओके, अब बात करेंगे फर्स्ट मेंबर की। N की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो एल्कोहल फैमिली में N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1, तो CH3OH। मिथानोल, तो CH3OH मिथानोल जो है वो एल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। तो एल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है मेरे पास? मिथानोल, मिथानोल है। सेकंड मेंबर की बात करें, C2H5OH इथानोल। सेकंड मेंबर इसी तरीके से कहानी चलती जाएगी, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, तो उसी सारा एल्कोहल फैमिली की एक कंप्लीट सीरीज हम लोग बना सकते हैं। अब अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे इन दोनों में, तो आप क्लियर कट देख सकते हो, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो होमोलोजस सीरीज की प्रॉपर्टी वही आ गई, यही चीज बन गई। उसके बाद मास की बात करेंगे, तो अगर फॉर्मूला सेम है डिफरेंस में, तो मास का भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, ये चीज है। 2,4 डाई इथाइल ब्यूटेन कैसे लिखते हैं? ये एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पहले मैं एक बार एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कवर कर दूँ, क्योंकि फिर अदरवाइज वो कीटोन से कन्फ्यूजन रहेगी, तो ये चीज़ें जब तक क्रिएट नहीं, क्लियर नहीं होती, तब समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। चलिए, तो ये हमने एल्कोहल वाला पार्ट भी फिनिश किया। तो एल्कोहल की देखिए एंडिंग कहाँ से होती है, ऑल से होती है, हालांकि ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ेगा। एल्केन की एंडिंग एन से हो रही थी, एल्केन की एन से, एल्काइन की वाइन से और एल्कोहल की ऑल से, तो मतलब आखिरी वाले जो थे सफिक्स यहाँ पे यूज किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो आप लिखने वाले हैं, एल्डिहाइड, ओके, okay।
ओके हाँ जी, तो हम लोग थे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमें क्या करना है, CHO ग्रुप लगाना है। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, यहाँ पे एंडिंग तो यहाँ पे हो रही थी, लेकिन एल्डिहाइड फैमिली में जो एंडिंग होने वाली है वो अल से होगी, AL, यानी कि अल से हम लोग एंडिंग करेंगे। ओके, तो अल से एंडिंग होगी, जो भी हम लोग नेम लिखने वाले हैं एंड में अल लग जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो कैसे हम लोग लिखेंगे, CN जैसे कि मिथानॉल, CHOH, H2NO, सिंपल वे में लिख रहे हैं हम लोग, CN H2NO। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड फैमिली का जनरल फॉर्मूला है। हालांकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है, बट चलिए फिर भी N1 2 3 so on, तो N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी और ये आगे कंटिन्यू रहेगी। पहला मेंबर देखिए क्या बनेगा, CH2O। देखिए CH2 कितना अजीब लग रहा है, एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CHH डबल बॉन्ड O, ये होता है एक्चुअली मिथानल, और ये आपकी एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। तो CHO, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान ये CHO होता है, तो सिर्फ एक H की और जरूरत थी ताकि वो कंप्लीट हो जाए। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया है, CH3COH को क्या क्या रहता है, ये आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। ओके सर किधर गए, कुछ नहीं, वो दूध आया था तो दूध डलवाने के लिए गया था, पता तो है फिर दूध के बिना चाय बन नहीं सकती, और चाय का एक बहुत बड़ा पुजारी सामने है। नेक्स्ट, अगला मेंबर C2H4O, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड फैमिली का दूसरा मेंबर, लेकिन यहां से भी कुछ क्लियरेंस नहीं हो रही कि एल्डिहाइड ग्रुप किधर है किधर नहीं है, तो क्या करेंगे, दो कार्बन बना देंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस किया हमने, चाय का चक्कर है बहुत बड़ा चक्कर है, ये बंदा चाय के लिए बिक जाएगा लगता है मेरे को। ओके, तो CH3CHO, तो ये बन गया एल्डिहाइड फैमिली का दूसरा मेंबर और इसका नाम है इथानल। देखिए एन की जगह पर अल लग गया है, तो ये आपको याद रखना है। सत श्री अकाल गुरु जी, वेरी वेरी सत श्री अकाल तुहानू भी। ओके, तो मिथानल इथानल, तो इथानल क्या है हमारे पास, सेकंड मेंबर है, तो सेकंड मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का। तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, मिथानल इथानल, अभी ये कहानी और चलेगी, इसको अब आप करेंगे, मैं अभी ये इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब अपने को स्पेस चाहिए, एल्डिहाइड वाला रख लेते हैं सिर्फ। नेक्स्ट बनाएंगे प्रोपानल का क्या होगा, C3H डबल है, यानी 6O, C3H6O, लेकिन थोड़ा बेटर वे में बनाए स्ट्रक्चर तो ज्यादा क्लियर होता है इस तरीके से। तो ये प्रोपानल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा तैयार हो गया, ये CHO जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोपानल हमने बनाया, तो ये थर्ड मेंबर है, क्लियर।
तो थर्ड मेंबर ये हमारे पास तैयार है। सर फिजिक्स कब आएगा? हाँ, फिजिक्स भी आएगा भक्ति से भगवान। लुई स्ट्रक्चर कैसा? लुई स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं, आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सेक्शन सी कर सकते हैं, बस वहाँ पे मेंशन कर दें अच्छे से सेक्शन सी। और फिजिक्स आएगी पहले, हम लोग केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हमारी बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स। बायो कब आएगा? बायो आज शाम की क्लास में आ जाएगा। केमिस्ट्री का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चैप्टर रह जाएगा, रहेगा क्योंकि लग रहा है मेरे को, तो वो चैप्टर इसको कंप्लीट करने के बाद इवनिंग में फिर बायो शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। हाँ, सीक्वेंस वाइज ही शुरू कर रहे हैं, फोर्थ हमारा फिनिश होगा और फिर उसके बाद हम लोग लाइव प्रोसेस की तरफ चलेंगे जी। ओके, उसके बाद हम लोग एक मेंबर और बनाते हैं, ब्यूटानल। फोर्थ मेंबर C4H8O, तो चार कार्बन और डबल बॉन्ड OH और बाकी सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे, तो ये बन गया ब्यूटानल। ब्यूटानल हमारा, और ये एल्डिहाइड फैमिली का फोर्थ मेंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एल्डिहाइड फैमिली के चार मेंबर्स हमने लिख लिए, तो आगे कंटिन्यू करते हुए आप सीरीज बढ़ा सकते हो। एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट जो फैमिली है वो है हमारे पास कीटोन फैमिली। और यहां पे क्लियर कर देते हैं दो बातें, कीटोन फैमिली के मेंबर का जो एंडिंग है वो ऑन से होगा, ONE। दूसरी बात, जनरल फॉर्मूला कीटोन फैमिली का एल्डिहाइड वाला ही है, यानी कि जितने कार्बन के एटम्स हाइड्रोजन के उससे डबल और साथ में ऑक्सीजन। तीसरी बात, N की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, मतलब कभी भी N1 आपको कीटोन मिल ही नहीं सकता। और कीटोन की पहचान क्या होती है? कीटोन में कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या लिखा आपने, टाइम बताओ बायो का टाइम। आज इवनिंग में क्लास होगी तो ये चैप्टर जो है वो मान के चलो और 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है अभी और लग जाएगा इस पर, तो रिएक्शंस है तो उसके बाद अराउंड 9:30 मान के चल सकते हो आप मोस्ट प्रॉब्ली। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर सिर्फ केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही होता है? नहीं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर आप रबिंग करते हैं, जैसे आप ऐसे कॉम्ब के साथ रब करते हैं अपने ड्राई हेयर्स को, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ट्रांसफर हो जाता है। रबिंग करने से भी दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल है। ओके, तो ये कीटोन फैमिली, तो मैं बात कर रहा था कि इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अब फर्स्ट मेंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं फर्स्ट मेंबर लिखता हूं C1H2O, चलिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, लेकिन ये तो दो हाइड्रोजन बचे और ये तो आपका एल्डिहाइड फैमिली बन गया CHO, जबकि हमने अभी बात की कि इसके इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए, तो मतलब पहला मेंबर 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी दूसरे में क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, हाँ आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर पे बनते हैं। यस, हाउ टू सुपर चैट? आई डोंट नो सुपर चैट, चैट सुपर चैट ये क्या होता है? ओके, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इधर से डायरेक्टली रिजेक्ट है क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए आपको कीटोन का मेंबर लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 है,
तो इसका मतलब है n की वैल्यू 2 से भी स्टार्ट नहीं हो सकती। ये जो फर्स्ट और सेकंड है वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाते हैं, तो इसीलिए हमारी जो शुरुआत है वो 3 से होगी। अब 3 से करेंगे, 3 कार्बन बना दें, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो हमेशा बीच में ही कहीं लगेगा, साइड में नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए ये बन गया मेरा फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली और उसका नाम है प्रोपानोन। तो प्रोपानोन जो है वो फर्स्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का, ये हम लोगों को याद रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सर, मैं एनसीईआरटी बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ चिपक के एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ। ओके, उसके बाद सेकंड मेंबर लिखेंगे ब्यूटानोन। अब सीक्वेंस जो है वो आपका रेगुलर फॉर्म में हो जाएगा, सेकंड मेंबर 4 कार्बन। अब देखिए इन पे तो हम लोग डबल बॉन्ड ओ लगा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, चाहे इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से हमने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया है और बाकी सभी कार्बन्स की हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया, ब्यूटानोन कीटोन फैमिली का दूसरा मेंबर है। तो अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, इसको इरेज करके फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। हम देख रहे हैं कि कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2nO है, और अगर आपको याद हो एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला सेम था, तो इसका मतलब है ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब सेम फॉर्मूला होगा लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो डिफरेंट होगी, उनके बीच बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में। ओके, तो ये बताना था आपको बेसिकली। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। व्हाट मैं, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन 2 H डबल ऑक्सीजन 2 CH3COH, यस, जितने कार्बन होंगे CN, हाइड्रोजन उससे डबल होंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आई एम बैक, गुगू, यस, वेरी गुड। फर्स्ट मेंबर और N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1, 2, 3 सो ऑन। तो पहला मेंबर क्या होगा, C1H2 × 1, 2 और O2। देखो CHO2 कितना अटपटा सा लग रहा है, इसको लिखते हैं प्रॉपरली कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगेगा और सिंगल बॉन्ड OH लगेगा और साथ में H2 बनेंगे, 2 × 1, 2 एक H और लग जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया है फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे नोट कर लें, CH2O2 बनेगा क्योंकि 2 × 1, 2 होता है, और इसका नाम है मिथानोइक एसिड। तो इसका नाम भी एंड में क्या हो रहा है, एक से हो रहा है, तो मतलब एल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी का जो एंडिंग है वो लास्ट से चल रहा है। तो मिथानोइक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, उसके बाद सेकंड मेंबर लिखेंगे C2, 2 × 2 = 4
एंड ऑक्सीजन टू, दो कार्बन बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप की पहचान हो गई सी ओ ओ एच। इस वाले कार्बन के वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड बन गया है। एंड दिस इज सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, तो ये हम लोगों को याद रखना है। एक मेंबर और बना लेते हैं, थर्ड मेंबर C3H6O2। काफी अटपटा सा लग रहा है, कोई बात नहीं। तीन कार्बन बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये टर्मिनल ग्रुप है आपके सिलेबस में, कीटोन को छोड़ के बाकी सभी या तो इस वाले कार्बन पे लगाएंगे या इधर वाले से लास्ट में लगाएंगे। बीच में सिर्फ कीटोन लगेगा, बाकी सारे आपके या तो बिल्कुल एंड वाले एक्सट्रीम पे लगेगा इधर वाले लेफ्ट वाले, या फिर राइट वाले पर लगेगा। बाकी के एच पूरे कर दो। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपानोइक एसिड थर्ड मेंबर, प्रोपानोइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के भी मेंबर्स लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर मुझे क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो कम से कम तीन कार्बन होने जरूरी हैं। ये फॉर्मूला आपको किसकी याद दिला रहा है, एल्कीन की याद दिला रहा है, लेकिन वहां पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती थी। लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन भी सही है ना? हाँ बिल्कुल, CH3COOH भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। मिथेन का डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन और फिर साइड में चार क्या लगा दो, हाइड्रोजन, ऐसे। तो ये बन गया लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन। ओके, तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन ये भी आपस में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो हम लोगों को ये भी याद दिमाग में रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी इस चीज के रिगार्डिंग। ओके, अब फर्स्ट मेंबर लिखे साइक्लोएल्केन फैमिली का, 3 से स्टार्ट करना है हमें, तो C3H6, तो C3H6 बनेगा, तीन कार्बन लगा देंगे, और बाकी हम लोग हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से C3H6 हमारा क्या बन गया है, साइक्लो प्रोपेन, और दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन फैमिली। ओके, उसके बाद सेकंड मेंबर बनाएंगे, तो एन की वैल्यू 4, 8, तो चार कार्बन लगा दें और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन चुका है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन।
तो साइक्लो तो लगाना ही है, उसके बाद अगर तीन कार्बन है तो प्रोपेन लगाएं, चार है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से आप चलते जाएंगे। चलिए ये सेकंड मेंबर है साइक्लो एल्केन फैमिली का। क्लियर हो गई बात यहाँ पे भी। अब बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज की, तो आप आगे आगे और कंपाउंड बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन जो हमने बना लिया था, साइक्लोहेक्सेन भी हमने बना लिया था, तो मतलब जैसे जैसे आपके नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन आप इंक्रीज करते चलेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्लोरो एल्केन। इसका फॉर्मूला क्या है? एल्केन के फॉर्मूले में एक एच कम कर दें और उसे रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन के साथ। जैसे मीथेन आपको पता है CH4, अच्छा एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो एक एच हटा दें और उसकी जगह लगा दें क्लोरीन, तो आप 1 पुट करेंगे तो 2+1 3 Cl। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? क्लोरो तो क्लोरो ही रहेगा, एल्केन कौन सा मेरे पास था स्टार्टिंग में? मीथेन, तो इसीलिए क्लोरो मीथेन, और ये हमारा फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद 2 पुट कर दें, 2 × 2 = 4, 4+1 = 5, तो ये बन जाएगा क्लोरो, क्योंकि दो कार्बन है तो इसीलिए हम लोग करेंगे इथेन, क्लोरो इथेन। दिस इज सेकंड मेंबर। ओके सर, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म सी फॉर बट फॉर्म्स एसिटेट। हाँ, तो ये हमने स्टार्टिंग में किया था कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, यानी C4- कभी नहीं बनाएगा। लूज़ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाना, उसको रिमूव करना, इतनी एनर्जी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वो दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल अचीव करें। तो ये था, आप स्टार्टिंग में जाओगे ना वीडियो के, तो आपको विद इन शायद ये 10 या 15 मिनट में ही आ जाएगा, ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, इसी तरीके से क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन हमारा आगे आगे बनता जाएगा। उसके बाद है हम लोग करेंगे ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन CnH2n+1 Br लगा देंगे और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक क्लोरीन, क्लोरीन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। पहला मेंबर लिख लेते हैं CH3Br, तो क्या आएगा? ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं लिखना, ब्रोमो लिखना है, एक कार्बन है तो ब्रोमो मीथेन। एन क्यों लगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। C2H5Br अगला मेंबर, ब्रोमो इथेन, तो फर्स्ट मेंबर ब्रोमो मीथेन, ये आपसे पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और सेकंड मेंबर ब्रोमो मीथेन, वो हमने लिख लिया, और थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, यानी ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, तो इस तरीके से कहानी चलती रहेगी आप लोगों की। ओके, उसके बाद हमारे पास ब्लू लाइनिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं 5, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर ये वाला सेशन ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे क्लास लगानी है ऑफलाइन, और जो ये चैप्टर बच गया है इसको इवनिंग में कंप्लीट करेंगे, और साथ में नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट भी करेंगे।
तो उसको आप इरेज करते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं? पेंटेन के लिए पहले 5 कार्बन ले लेंगे स्ट्रेट चेन में और बाकी सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर H लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पेंटेन का पहला स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन वाला। सेकंड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दें और 1 कार्बन को चाहे यहाँ पे लगाएं चाहे यहाँ पे लगाएं, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर काउंट होगा। तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ हो गया। थर्ड और लास्ट वन के लिए क्या करेंगे? 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा देंगे और बीच वाले कार्बन के ऊपर ब्रांच में 2 कार्बन लगाएंगे। कभी भी ब्रांचिंग में हम लोग फर्स्ट या लास्ट वाले या टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा सकते, हेलो क्रांति सर हेलो, क्योंकि वो फिर आपका काउंट वाइज नहीं, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो छोड़िए क्योंकि अभी मैं डिस्कस उस पे ऊपर नहीं आना चाहता हूँ। तो सिंपली एक बार स्ट्रेट चेन लगा दें, एक बार सेकंड या थर्ड पे लगा दें और एक बार मिडिल कार्बन पे 2 कार्बन लगा दें, ये एच पूरे हो जाएंगे। तो आप देखोगे सेम यहाँ पर फॉर्मूला है तीनों में, लेकिन स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। तो पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। C5H12 directly मतलब डायरेक्टली का मतलब नहीं, मैं समझा कि भी एक बार आप C5H12 अकेला लिख देंगे, नहीं नहीं वो नहीं, वो काउंट नहीं होगा ऐसे, तो कोई पता क्या करेगा। आपने लिख दिया C5H12, कोई और लिख देगा CH3C4H9, है ना? तो फिर ऐसे तो गिनती नहीं खत्म होगी, ऐसे नहीं करना, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली। सेकंड क्वेश्चन है, 2 प्रॉपर्टीज बताइए कार्बन की जिससे वो इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है? कैटिनेशन, जिसमें सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, एंड टेट्रावेलेंसी, जिसमें 4 एटम्स के साथ एक ही टाइम पे बॉन्ड जुड़ सकता है। मोस्ट वेलकम। ओके, तो अगर 1 नंबर में आया तो बस यही लिख दोगे, और अगर 3 नंबर में आया तो इनको एक्सप्लेन भी आप लोग कर देंगे। थर्ड वन इज साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। हमने ये बनाया था आज, साइक्लोपेंटेन C5H10, तो 5 कार्बन बना दें इस तरीके से। डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, तो मैं डॉट लगाऊंगा यहां पर, और फिर हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा है, ट्रबल ही है, लेकिन क्या करें, अगर डॉट स्ट्रक्चर आ गया तो फिर आपको बनाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ा आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलिए आप लोग उसको प्रॉपरली बना के आए। ओके, आगे है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, कुछ कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं। तो फोर्थ वन इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। तो हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर बना देंगे, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया है। सेकंड इज ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन मतलब कि 5 कार्बन
और फिर एक एच को हमने ब्रोमीन से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग बी आर लगा देंगे। तो दिस इज ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन सिंगल सिंगल है और एक एच को बी आर से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज ब्यूटानॉन। ब्यूटानॉन मतलब 4 कार्बन, ऑन मतलब किटोन, किटोन सी डबल बॉन्ड ओ, चाहे इस पे लगाएं चाहे इस पे लगाएं, और बाकी एच कंप्लीट कर देंगे। तो ये ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर हमारा बन गया। ओके, सिल्वर जुबली 25 लैक्स कैलकुलेट कौन कर, थैंक यू सर, फुल एक्सप्लेन्स करवा दो, फुल एक्सप्लेन्स करवा दो। अश्विन सर व्हाट इज फुल एक्सप्लेन्स। ओके नेक्स्ट वन हेक्सानल। हेक्सानल मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन हमारे पास लग गए। उसके बाद अल है तो सी डबल बॉन्ड ओ एच लगेगा, एल्डिहाइड फैमिली, और बाकी सारे क्या कर देंगे हाइड्रोजन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास हेक्सानल 1 2 3 4 5 6 का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और यही हम लोगों से पूछा गया था। ओके, इसमें हमसे पूछा है आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, क्या ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। तो उसका सिंपल आंसर है यस, बन सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बी आर की जो एटम है उसको जगह चेंज करते रहें तो फिर वो नए नए स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। सर जी ब्रेक, हाँ बस हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया फिफ्थ, उसके बाद मैं खुद ही सेशन ओवर करने वाला हूँ। फिर हम लोग इवनिंग में दोबारा मिलेंगे, ये जो चैप्टर पेंडिंग है इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में फिर नेक्स्ट भी अपना पार्ट डन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमें नाम लिखने हैं, तो 3 स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज CH3, CH2, Br। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन का ब्रोमो लिखा जाएगा, 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो ब्रोमो इथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सेकंड HCHO, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 कार्बन है तो मिथेन, तो मिथानल बन जाएगा, मिथेन से मिथानल क्योंकि एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर है। लास्ट वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चलिए तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। सर आप कहाँ से हैं। मैं हेलो सर, हेलो सुमित, मैं पंजाब से हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब। ओके ये देखिए मैंने लिख दिया है पंजाब संगरूर खनौरी। ओके, तो 6 कार्बन है तो मतलब हेक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हेक्साइन, एन यूज होता है सिंगल में, इन यूज होता है डबल में, ट्रिपल है तो हेक्साइन यहां पर लिखा जाएगा, हेक्साइन हम लोग यहां पर लिखेंगे। आपसे आपके सीखा है क्या है, सीखा है क्या, क्या मतलब आपके क्या सीखा। तो हेक्साइन जो है वो इसका नेम आ गया है। तो
आज हमने जो कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं किया है, अभी हमारा कुछ पार्ट पेंडिंग है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन जो इवनिंग में होगा अराउंड 8:15 वहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने आज डिस्कस किया, लेकिन इसकी काइंडली रीडिंग ज़रूर करें, इसको अच्छे तरीके से डन करें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे अब आपसे इवनिंग में, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई भी ज़रूर करते रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इमेजिन इमेजिन ओके बाय। यस सब करेंगे, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स करेंगे, मैग्नेटिक वाला चैप्टर होगा, तो घबराइए मत, टेंशन मत लें, क्योंकि अगर टेंशन लेने से कुछ होता तो फिर बहुत आसान था। कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे तब कुछ होगा, तो जो भी कमियां हैं दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे वापसी दोबारा फिर से। थैंक यू, बाय बाय।